नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पंजाब में जीत के लिए आम आदमी पार्टी का नया दांव। मोहाली की रैली में बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ये मानकर वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री है बनाना। सपा में पार्टी और सिंबल पर कब्जे की लड़ाई के मामले में चुनाव आयोग करेगा 13 जनवरी को सुनवाई। दोनों पक्षों की सुनेगा बात, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पिता और पुत्र में नहीं बनी बात। वीडियो में बीएसएफ जवान के गंभीर आरोपों के बाद बीएसएफ ने सौंपी शुरुआती रिपोर्ट। तेज बहादुर के खराब रिकॉर्ड्स का दिया हवाला, ड्यूटी भी बदली गई। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हिंदी में मांगी चुनाव आयोग से नोटिस की कॉपी। सफाई में कहा, मैंने केवल बढ़ती आबादी पर जताई थी चिंता, 11 जनवरी तक देना होगा जवाब। पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में पटरी से उतरी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन, हादसे में 10 लोगों के घायल होने की खबर, राहत और बचाव कार्य जारी। और काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के पास सीरियल बम ब्लास्ट, शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल को बनाया गया निशाना। धमाके में कई लोगों के हताहत होने की खबर। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। तो यदि इस वक्त की बड़ी खबरें देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।